दोस्तों, स्टफ्ड नान तो हम सभी को पसंद है क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो क्यों ना आज बना लिया जाए इन स्टफ्ड नान को गेहूं के आटे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बड़ा बोर यानी कि 3 कप लिया है मैंने गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में अब हम डालने वाले हैं नमक, ये हम 1 चम्मच लेंगे। 1 चम्मच ही अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पिसी हुई चीनी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे आटे में। तीनों चीज़ को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम बीच में एक होल बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब इस होल में मैं सबसे पहले डालने वाली हूँ देसी घी। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी के साथ अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 3 चम्मच दही, ये घर का दही है। दही के साथ में अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/4 चम्मच छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप ज़्यादा ना डालें, 1/4 टीस्पून इसमें इनफ है। अब हम बेकिंग सोडा को रिएक्ट करने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम देंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा जब दही के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो उसमें छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे बेकिंग सोडा ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो छोटे छोटे देखिए बबल्स फॉर्म हो गए हैं कुछ इस तरह से। अब हम अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिक्स करेंगे अच्छे से और इसका एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करेंगे। सॉफ्ट डो प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे यानी कि नॉर्मल वाटर का यूज़ कर रही हूँ। हमारा आटा लगभग तैयार है। आखिरी में इसको कुछ इस तरह से गूंदते हुए अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ देसी घी। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करा है और इसको अच्छे से एक और बार मलते हुए अपने आटे को। घी को मलने के बाद आटे पे अब हम एक और बार ऊपर से घी लगाएंगे और अपने आटे को 15 से 20 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे जब तक हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको ढककर रख देते हैं। जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं आलू पनीर की। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के आलूओं को, उबले हुए आलूओं को ग्रेट कर इस्तेमाल किया है। आलू को यहाँ पे ग्रेट कर ही यूज़ करें। उसके साथ में मैं यहाँ ले रही हूँ करीब 100 ग्राम पनीर, उसको भी हम अच्छे से ग्रेट करके डालेंगे। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं अपने मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच ही इसमें जाएगा जीरा पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर इस्तेमाल किया है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से उसे कम या ज़्यादा कर लें। कुछ धनिया की पत्तियाँ, इसके साथ फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं करीब 1 से 1.5 चम्मच नमक। आप चाहे तो नमक अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अब अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरह से मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा आलू की स्टफिंग रेडी हो जाएगी। सारा मसाला इवनली मिक्स करना है। अब हमारे आटे को 15 से 20 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी है। सॉफ्ट है। अब इसको कुछ अंदर की तरफ कुछ इस तरह से टप करते हुए हम 3 से 4 सेकंड के लिए काम करेंगे। देखिए ये हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आलू नान बनाना। सबसे पहले मैं इस आटे को पूरे डो को हम रखेंगे इस बोर्ड पर और इसको अच्छे से मलेंगे। मलने के बाद मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि डो काफ़ी ज़्यादा है, एक ही बारी में ये नहीं होगा यूज़। पहले हम हाफ डो से कुछ लोइयाँ बनाएंगे। उससे पहले हमें इसको 3 से 4 बार आटा और घी लगाकर बेलना है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। इस तरह से बेलन की सहायता से हम इसे फैला देंगे जितना हमें स्प्रेड कर सकें। यहाँ पे आप किसी भी शेप में इसे फैला सकते हैं, हमें बस इसे अच्छी तरह से बेल देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सूखा आटा। इसको छिड़क देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही, कुछ इस तरह से। अब हम यूज़ कर रहे हैं 1/2 चम्मच देसी घी, इसको भी हम पूरी तरह से फैला देंगे। इसको अच्छे से फैलाने के बाद अब हम यहाँ पे किनारे पे इस तरह से इसे अंदर की तरफ रोल करेंगे। हमें इसे थोड़ा टाइटली रोल करना है ऐसे। इस तरह से पूरा रोल करके और लास्ट में इसको अच्छे से रोल करेंगे ताकि वो अंदर की तरफ टक हो जाए। इस तरह से पूरा इवनली इसको फैला देंगे। अब इसी प्रोसेस को हम एक और बार दोहराएंगे। इसी प्रोसेस को जब हम 2 से 3 बार करते हैं तो हमारे नान बहुत ही टेस्टी बनते हैं। फिर से मैंने आटा लगा लिया है। अब बेलन की सहायता से हम इसे दोबारा बेलेंगे। जितना अच्छे से आप फैला सके, जितना बड़ा फैला सके उतना फैला दें इसे। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से छिड़कने के बाद हम इसे पूरे आटे पर इस तरह से फैला देंगे और फिर से इसे रोल करेंगे। आटा पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गया है और अभी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। आप चाहें तो अभी भी इसके पीस काट कर अपनी लोई बनाना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक और बार इसी प्रोसेस को दोहरा दें। मैं यहाँ पे अभी कट कर रही हूँ। यहाँ पे हमने कुछ लोइयाँ बना लेंगे अब इनकी।
उसकी दोनों किनारियों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसी तरह से हम अपनी लोइयां तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अपना पेड़ा। मैंने इसको थोड़ा सा बेलन की सहायता से फैला लिया है और एक कटोरी की शेप देते हुए कटोरी की तरह अपने हाथ में लोई लेके बनाते हुए अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं स्टफिंग। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे स्टफिंग ज़्यादा ही पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ओवर भी फिल ना करें, इतनी क्वांटिटी इनफ है। स्टफिंग अगर कम रहेगी तो भी टेस्ट नहीं आएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप ये चीज़ बैलेंस करें कि स्टफिंग ना तो बहुत ज़्यादा हो, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो फट जाएगा हमारे नान, और स्टफिंग इतनी कम भी ना हो कि वो टेस्टलेस लगे। एक बार यहाँ पे मैं सूखा आटा यूज़ कर रही हूँ ताकि इसको अच्छे से फैला लूँ। अगर आपका आटा ज़्यादा ही सॉफ्ट है कि बिना सूखा आटा यूज़ करे भी आप इसको फैला सकते हैं तो ऐसा ही कर ले। इस तरह से पहले हाथ की सहायता से हम पूरे इस पेड़े को फैलाएंगे। ऐसा करने से हमारा नान जो है वो फटेगा नहीं। देखिए हर तरह हमारी स्टफिंग इवनली स्प्रेड हो जाती है और बेलन की सहायता से बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे फैलाएंगे। यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ थोड़ा सा घी। घी लगाने के बाद यहाँ पे हम इसे इसके ऊपर डालेंगे काले और सफ़ेद तिल, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, टेस्ट भी एनहांस करते हैं। गार्निशिंग के लिए यूज़ करा है। चलिए अब इसको तवे पर सेकते हैं। तवा मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम करा हुआ है। अब फ्लेम को मैंने लो पे कर दिया है ताकि ये अच्छे से सिक जाए। ये धीमे धीमे सिकेगा तो ये नान का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, उसे बहुत खूबसूरत बनाएगा। देखिए ये पक रहा है तो हमें ऊपर से हल्के हल्के बबल से पता चल रहा है। इसमें स्टफिंग करी होती है और ये बहुत सॉफ्ट आटा होता है तो इसको कोशिश करें कि चमचे की सहायता ना, चमचे से ना पलटे, उसका थोड़ा सहायता लें पर अपने हाथ के यूज़ से उसे पलटे। हाथ का इस्तेमाल करते हुए देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना बढ़िया कलर आया है इस पर। आप चाहे तो नान को इसी तरह से गैस पर तवे पर ही सेक सकते हैं, जिस तरह से हम रोटी को पहले तवे पर सेकते हैं फिर हम डायरेक्ट फ्लेम में सेकते हैं, उस तरह से इसको बिल्कुल ना सेके, आपका नान टूट जाएगा। और अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तवे पर सेकने पर कि आपको लगेगी कि किनारियाँ शायद कच्ची रह जाए, क्योंकि मुझे भी खुद ये बहुत अच्छे से सिका हुआ ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्टैंड का रोटी को सेकने के लिए और अपनी किनारियों को जो है अच्छे से सेकेंगे। देखिए अब हमारा नान जो है वो फूलना स्टार्ट हो गया है। देखिए अभी भी ये बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। अब इस जाली की सहायता से हम इसकी किनारियों को भी बहुत अच्छे से सेक लेंगे।
बढ़िया कलर आया है। इस स्टेज पर भी हमारा नान रेडी है सर्व करने के लिए, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छे से सिका हुआ पसंद है, तो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा सेक रही हूँ। इसलिए इस तरह से इसकी किनारियां बहुत अच्छे से सिक जाती हैं। देखिए हमारा नान ऊपर से कितना अच्छे से सिक गया है। एक दो बार इसे पलटते हुए मैं इसे सेक लूँगी। फ्लेम को धीमा ही रखें, उस पर अच्छे से सिक जाएगा। तो चलिए अब ये रेडी है, कर लेते हैं अपनी प्लेटिंग। तो बनकर रेडी है हमारे गेहूं के आटे से बने हुए नान, जो खाने में है बहुत टेस्टी। ये सिर्फ ऐसे ही बटर के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो हरी चटनी का, पुदीने धनिया की चटनी का इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे गेहूं के आलू पनीर के नान। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।